हेलो एवरीवन, सो आज हम आपके लिए फिर से नई एक ब्रेन टीजर लेकर आए हैं जिसको कहते हैं सुडोकू। सुडोकू में क्या होता है कि नंबर्स के साथ एक पहेली होती है, सुडोकू मीन्स पहेली। और ये पहेली ऐसी है कि ये कहती है कि हर नंबर को एक ही बार आपको रिपीट करना है। तो हम छोटा वाला सुडोकू खेल रहे हैं क्योंकि आप छोटे हैं, तो हम केवल चार नंबरों के साथ खेलेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। हम 9 तक खेल सकते हैं, पर एक बार आपको आ जाएगा तो फिर अब आप उसके आगे भी खेल सकते हैं। एंड आई एम श्योर यू विल इन्जॉय इट। तो टीवी को ना देखकर इस पर ध्यान देंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर ये 4 का है, 1, 2, 3, 4 स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो टोटल 16 है। अब इसमें देखना, आप छोटे स्क्वायर्स भी हैं, 1, 2, 3, 4, ये 1, 2 एंड 3, 4। तो हमें एक हम अगर इसको ऐसे देख के चलें कि हम हर स्क्वायर में 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लें तो हमारे ये वाले नंबर्स भी पूरे हो जाएंगे। और ये भी देखना है कि अगर हमें 1, 2, 3, 4 कंप्लीट यहाँ तो कर लिया, पर ऐसा ना हो कि रिपीट यहाँ पे हो रहा हो। ओरली नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। बस मेन एम ये है कि कोई भी नंबर एक लाइन में रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 3, 4 है तो यहाँ 2, यहाँ पर 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि कोई नंबर रिपीट ना हो, ठीक है। तो हमारा मेन एम ये होगा ये पज़ल खेलते समय, बस ये ध्यान रखना है और आप फिर उसके बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और इसके जो आंसर्स होंगे वो मैं लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, जिससे कि आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो होपफुली आपने लिख लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक पज़ल ये है सुडोकू, ठीक है। मैंने एक उसमें से ही कॉपी कर लिया है, तो देखते हैं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो हमें कौन कौन से नंबर्स यूज़ करने हैं, 1, 2, 3, 4। अभी हमने बनाया था कि एक स्क्वायर ये है, दूसरा ये है, थर्ड ये है और ये फोर्थ ये है। पेंसिल से मैं इसलिए कर रही हूँ कि जिससे कि अगर रॉन्ग होता है तो हम उसको रब करके लिख सकते हैं। आप भी पेंसिल यूज़ करिएगा पहले, फिर उसके बाद आप उसको पेन से कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 नंबर आने चाहिए, 2 और 1। अब अगर हम 1 यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी 1 है इस लाइन में, तो यहाँ 1 नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये लाइन कंप्लीट हो गई। ऐसे ही हम ये वाली लाइन देखते हैं, 1, 2, 4, यहाँ पे क्या आएगा, 3 है ना। अब ये देखते हैं ऊपर, 3 और 2, अब कौन कौन सा नंबर यहाँ पे मिसिंग है, 4 और 1। अगर हम यहाँ 1 करते हैं तो ये लाइन में 1 है ऑलरेडी, तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम ये वाली लाइन देखते हैं तो यहाँ पे 3 है 1 है, तो 2 नंबर कौन से मिसिंग है, 2 और 4। तो अगर हम यहाँ पे 4 करते हैं तो ये 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से इतनी लाइंस तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए स्क्वायर्स भी कितनी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, ये छोटे स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, कौन सा नंबर मिसिंग है, 3, सिंपल। ऐसे ही यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, कौन सा नंबर मिसिंग है, 1। अब ऐसे साइड बाय साइड आप ये भी चेक कर लीजिए कि नीचे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी आपके कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो। ये लाइन पूरी हो गई, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, एंड अब ये वाला स्क्वायर पूरा हो जाएगा, 1, 2, 4 लिखा है, 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, 2 है, तो 1, 2, 3, 4 ये लाइन। इस तरीके से आपका पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो मज़ा आया ना, ऐसे दूसरा एक और देख लेते हैं। देखिए इस लाइन में हम देख रहे हैं 3 नंबर दिए हुए, 1 बस बाकी रह गया, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, हो गया। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 नंबर आएंगे, 2 और 4। अब ये वाला ये देखिए बीच में 2 आ रहा है, तो 2 अगर हमने यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा। अब इस लाइन में कौन सा नंबर रह गया, 4। इस तरीके से ये लाइन कंप्लीट हो गई। ये देखिए स्क्वायर भी कंप्लीट होने वाला है, 1, 2, 3, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 4 है ना। ऐसे ही 3 और 4 तो हो गए, अब 1 और 2 चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो हम 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाली लाइन देखिए कंप्लीट हो रही है, 1 नंबर मिसिंग है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसे ही 2 है, यहाँ पे 3 है, अब 2 बॉक्सेस हैं इसमें, या तो 4 आएगा और या फिर 1 आएगा,
तो अगर हमने यहाँ पे 4 कर दिया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, इस लाइन में नहीं आएगा 4, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ये स्क्वायर कंप्लीट होने वाला है, देखिए 4, 3, 2 और 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया, लीजिए कितना सिंपल है ना, मज़ा आया। तो देखिए आप ये भी चेक कर लीजिए कि हर लाइन में नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे सुडोकूज को सॉल्व करिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा, और उसके बाद मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जिससे कि मैं और आपको और भी डिफरेंट तरह के वीडियोस दे सकूं। ओके, थैंक यू।